चले भारतीय प्रवासी सम्मेलन का समापन हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ लोगों को सम्मानित भी किया, लेकिन समापन के बाद अब क्या कुछ दिखाई देगा? कुछ नए एंटरप्रेन्योर हैं जो यहाँ शिरकत किए थे, मेरे साथ इस वक्त पूनम है। क्या कहेंगे आप, एक तो इस सम्मेलन को कैसा देखते हैं और नया क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? एक्चुअली ये सम्मेलन बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सारे भारतीय बाहर से यहाँ पर आते हैं, दोबारा अपने देश से कनेक्ट होते हैं, हमारी पॉलिसीज के बारे में उनको, यहाँ की पॉलिसीज के बारे में पता चलता है। तो उसका पर्पस ये होता है कि वापस जाके वो वहाँ के लोगों को भी इंस्पायर करेंगे, उनको सिखाएंगे कि इंडिया में बिजनेस कैसे किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जा सकती है। तो मुझको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम अगर होते रहे तो इससे और बाहर की कंपनीज, जैसे अभी एप्पल आई है पीछे, सैमसंग ने भी यहाँ पे सेटअप किया है, तो ये स्टोरीज फॉलो करके, जो इंडिया प्लस वन, चाइना प्लस वन की बात हो रही थी, तो बहुत सरप्राइज की बात नहीं है कि और दो चार साल में इंडिया प्लस वन हो जाए। इट्स अ वेरी गुड वे टू शोकेस इंडिया टू द वर्ल्ड एंड टू द इंडियन डायस्पोरा हु विल बी नाउ एम्बेसडर्स गोइंग बैक, जैसे हम लोग ऐसे करते ही रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसके लिए। और इसके अलावा क्या कुछ दिखाई देने वाला, जैसा आपने कहा कि हम लोग करते ही रहते हैं, तो क्या आपकी कुछ लोगों से बात चल रही है, कुछ नए एंटरप्रेन्योर यहाँ दिखाई देने वाले? एक्चुअली हमारी तो, जैसे मैं ब्रिटेन में हूँ, स्कॉटलैंड से हूँ, और वहाँ पे लीडिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर हूँ, और जैसे फिक्की की इंडिया यूके मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड काउंसिल की चेयर हूँ, काफी सारे पोर्ट्स पर चेयर हूँ। तो वहाँ के जो बिजनेसेस मेरे पास डायरेक्ट होते हैं कि हम इंडिया में कुछ बनाना चाहते हैं, तो हम उनसे, उनको कनेक्ट करना चाहते हैं यहाँ के, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बैंगलोर हो, पुणे हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो। तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि अब मैं वापस जाऊंगी, मेडिकल कंपनीज है जो यहाँ पे काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे मेडिकल कंपनीज से मिले जो मैन्युफैक्चरिंग में है, उनको कनेक्ट किया और उनको समझाया कि तुम यहाँ पर बनाओ। अब आदित्य हॉस्पिटैलिटी में है, हम आदित्य से बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी इन्वेस्ट करो और यूके में भी इन्वेस्ट करो, तो दोनों कंट्रीज को भी फायदा होना चाहिए। आदित्य, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा, क्या ये माना जाए कि कुछ नए रास्ते खुले प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के? मुझे ऐसा लगता है, मेरा गला खराब है थोड़ा, तो इस वजह से बोलते बोलते मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है, इसके बाद जो मध्य प्रदेश के अंदर स्पेशली अगर देखा जाए तो टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इतने लोग जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, जो अप्रवासी भारतीय NRI हैं, उन्होंने उज्जैन भी देखा और मांडू और ओमकारेश्वर भी गए, तो जब आप वापस अपनी कंट्री में जाएंगे तो प्रमोट करेंगे MP के टूरिज्म को भी, क्योंकि MP ऐसी स्टेट है जो सेंट्रल में पड़ता है, तो चारों तरफ लोग राजस्थान जाते हैं टूरिज्म के लिए, गुजरात जाते हैं, इधर जाते हैं, पर MP को लोग भूल जाते हैं। पर अब